वो वाली गेम है GTA 5। GTA 5 गेम है, ठीक है। तो हो गया, वो भी हम खेल रहे हैं। तो गाइस देखो ये है GTA 5। अभी मैं था माइकल का कमरा है ये, तो अभी बाहर चलेंगे। देखो ये बताते हैं, ये ऐसा कुछ है, थोड़ा थोड़ा ये ऐसा है। दोबारा खड़े किए, दोबारा नहीं खड़े किए, ये टाइम देखने के लिए है। पता नहीं क्या सिस्टम है इनका, टाइम देखने का है ना। देखो ही मैं तुम्हें थोड़ी बड़ी जगह तो लेके नहीं आता हूँ नाल। फिर तो मैं, तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या चीज़ है? ये ठीक है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो भाई कैसे हो सब लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो। तो भाई आज का सीन ऐसा है कि हम बैठे हैं मेरे घर पे, तो पीसी में हमारे पहले दोस्त ये चल रहा है पिछले। तो गाइस आज के सीन ऐसा है कि लेकिन भाई मेरे घर पे, तो अभी ना गेम खेल रहे थे पीसी के ऊपर। आपको दिखाते हैं हम कौन सी गेम खेल रहे थे। सरप्राइज, ये वाली वो गेम है। गेस करो कौन सी गेम है। इसमें गैस क्या करना, ये सभी ने खेली होगी लेकिन ऐसे नहीं खेली होगी। ये वाली गाड़ी चलाई होगी आपने। हाँ, इस गेम में ये। सो गाइस ये थी वो सेकंड वाली गेम जो हम खेल रहे थे। ये थोड़ी ड्राइविंग वाली गेम है, ट्रक ड्राइविंग वाली। ये पता नहीं कहाँ पर पार्क कर दिया, रॉन्ग साइड पर सारी गाड़ियां आखिर बीच में बजेंगी। अब ऐसे ये ट्रैफिक ट्रूफिक होता है। देखो यहाँ पे इंटीरियर भी इसका ऐसा कुछ है। तो ये देखो यहाँ पे स्टेरिंग वगैरह और ये नीचे, ठीक है। तो ऐसे ही है, हम भी यही कह रहे थे, बोर हो रहे थे। तो तभी आपने सोचा ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो ब्लॉग में कुछ बोलते हैं। तो गाइस हमने सोचा कि हम बोर हो रहे थे, तो हम गेम्स वगैरह खेलने लग गए। और एक और अच्छी वाली गेम मैं आपको दिखाता हूँ, दो तो आपने देख ली, एक और है आपको पता कौन सी गेम है। आप विश्वास नहीं करोगे, ये गेम भी हमारे पास है, फुल हैक्ड वर्जन है उसका भी। फुल हैक्ड वर्जन है वो गेम, हमने एक वीडियो में बोला भी था उस गेम के बारे में। वो वाली गेम हम आपको दिखाते हैं। वो वाली गेम है GTA 5। GTA 5 गेम है, ठीक है। तो गाइस देखो ये है GTA 5। अभी मैं था माइकल का कमरा है ये, तो अभी बाहर चलेंगे। देखो ये पता नहीं कहां पे जा रहा है, ये भाई स्मूथ बिल्कुल, मजा आता है एकदम। इसकी जो ग्राफिक्स वगैरह ना एकदम गाड़ी रहती है। गाड़ी देख, मैं कल लेकर आया था ये वाली। ये कौन सी वाली गाड़ी, वैसे रोड पे खड़ी थी मैंने घर के अंदर चोरी करके। वैसे टेक्सन की मर नहीं खेलता, असली तरीके से खेलता हम तो GTA 7 के जैसे खेलते हैं इसको भी। अच्छा ये वाली गाड़ी थी, वैसे पता नहीं चोरी किया जा रहा है निकल। अरे पुलिस आ गई यार, और गेट आ गया, बाहर आ गया। करो करो कुछ, आओ आ जाओ मारो। देखा अभी चुप करके हट गए, ये कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकते गाइस, ये मैंने पाले हुए पुलिस वाले पाले हुए। तो गाइस ये थी GTA 5 गेम। तो हम इससे भी थोड़ा बहुत ना बोर ही हो चुके हैं, ज्यादा खेलते रहते हैं तो बोर हो जाते हैं। कोई भी गेम हो ज्यादा खेलोगे बोर ही हो जाओगे। ऐसा होली वाली वीडियो पे अपना एम भी रखा था 150 लाइक का, आपने वो भी पूरा कर दिया था, इसलिए हमने आपको ये गेम दिखा दी है GTA 5। So guys, रोहित भाई अभी जा रहा है कुछ सामान लेने, इसके घर वालों ने कुछ क्या लेने का बोला था, कहाँ से दुकान से। हाँ, दुकान से। मैं लेकर आ, चलो तुम लेकर आओ फिर आपको मिलेंगे। तो मैं तभी तक यहीं गेम वगैरह खेलते, ड्यूटी वगैरह देखते हैं। सो गाइस लगता है रोहित भाई आ गया है, दरवाजा खुला था, वही होगा देखते हैं क्या क्या लेके आया, दिखाओ फिर क्या क्या लेके आया। ये नहीं आ गई, पुदीने वाली आ गई। ये क्या, पहले तो ऐसी नहीं होती थी शायद, ये पहले ऐसी होती थी ना। अच्छा हाँ हाँ, ये ऐसी होती थी पहले, हाथी वाली गोली कहते थे, ठीक है। ये खट्टी मीठी थी, नवा आया कुछ। अच्छा ये भी कुछ नया आया, चॉकलेट सी है कुछ शायद है। ये तो अभी लेटेस्ट ही आया, चुपा चुप इसकी तो ऐड भी आती है टीवी पर। ये तो शायद फालतू चीज होगी, खाना नहीं आता असली मजा तो इन सब में ही होगा। इसकी टॉफी भी आ गई, पहले ऐसे होते थे सिर्फ ऐसे, फिर पाउच आए, फिर उसके बाद टॉफी भी आ गई है। एक है टॉफी लगता है सारी।
बारी बारी सभी खा के देते हैं पहले किसे इसको खोल कर दिखाओ, इसको बाहर निकाल कर दिखाओ, देते हैं तुम्हें सही तरीका आता है ऐसे काम करें नहीं, निकालो निकालो ना ना दिस इज रॉन्ग वे, मैं दिखाता हूँ सही कैसे है, ये पकड़ो दिखाओ। हैक नहीं आते होते यूट्यूब पर, वो कहते होते हैं ऐसे नीचे करना और ऐसे खोलना, फिर एक आ जाती है, एक मिनट ये ऐसे ऐसे एक आ जाती है, ये तो ऐसे ऐसे कोका कोला की गोली होती है, ये देखो अभी हमने खा पी भी लिया, नींद आई जा रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, छुट्टियां हमारी खत्म होने को आ रही है, मौसम भी थोड़ा गर्मी का है, अभी दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है कहीं पर घूम के आते हैं, वैसे मेरा छुट्टियां खत्म होने वाली है, दो छुट्टियां रह गई, कल की परसों रेडी हो गए तो अभी तो एक बार बताओ कैसा लग रहा है जगन भाई, हमने काला डाली है, नीला डाली है, काला काला सूट गया तो पहले ये भी नीले चिट्टी किसी कलर को डालने वाला था तो फिर इसने काले डाल ली, हम तो सेम सेम हो जाएगा, ऐसे कंट्रास्ट सा मिलता है ना, बढ़िया लगता है ऐसा, तो अभी हम चलेंगे किसी खुली सी प्लेस पर, क्योंकि ना जैसे पवेलियन मॉल गए और भी कहीं जगह पर गए होता थोड़ी बंद बंद सी होती है, हम सोच रहे हैं किसी खुली जगह पर जाकर घूम कर आते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा उससे, तो चलो अभी आपको मिलते हैं वहां पर पहुंच के। गाइस अभी आपको लग रहा होगा हम कहाँ पर आए हैं, हम मैरिज में नहीं आए, हम नेहरू रोज गार्डन में आए हैं, यहाँ पर हमारे सामने कबूतर हैं बहुत सारे, यहाँ पर कबूतर हैं और वहाँ पर ना लाइट शो होता है शायद रात को, मतलब वो फाउंटेन से ऐसे, वो दुबई में नहीं होता है वो उर्ज खलीफा के सामने ऐसे कुछ सा सिस्टम है वहाँ पर, कोई नजदीक जाकर दिखा के आ जाए, पर झूले भी हैं काफी ज्यादा और यहाँ पर चार मीनार भी है, पीछे देखो जगह बहुत टाइम बता कर जंतर मंतर है, टाइम कितना हुआ 4:30 हो गए यहाँ पे, नहीं पीछे देखा गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, ये पता क्या है इसको जंतर मंतर बोलते हैं, ये जयपुर में भी है, यहाँ पर हम टाइम देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ है थोड़ा थोड़ा, ये ऐसा है दोबारा खड़े किए, दोबारा नहीं खड़े किए, टाइम देखने के लिए है, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका टाइम देखने का, है ना जगह कुछ नहीं, हमने अभी फोटो शूट किया यहाँ पर फ्लावर्स के बीच में, और रोहित भाई बताओ कैसा लग रहा है, सुगंध कैसी है फ्लावर्स की, सुगंध तो अच्छी है फ्लावर्स की, मैं सोचता हूँ सारे उखाड़ कर ना घर पे ले जाते, घर पे ले जाएंगे, और यहाँ पर सर को कांटे वाले फूल भी लगे हैं यहाँ पर, वहाँ पर हम चार मीनार और जनता जो होता नहीं वो क्या होता जंतर मंतर वो देख कर आए थे, और अभी हम आगे चल कर देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है, अभी हमने यहाँ पर भी कुछ फोटो वगैरह आपने क्लिक किए हैं यहाँ पर, इंस्टाग्राम पर पोस्ट वगैरह करेंगे, और यहाँ पर ना कई कुछ लोग सैर कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर सो रहे हैं, कुछ यहाँ पर पढ़ भी रहे हैं, एक हमारा बहुत पीछे बैठा भाई पढ़ रहा है, बस ऐसे ही है यहाँ पर, और हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी जगह है और घूमने के लिए, भाई अभी हमें यहाँ पर एक विशेष सूत्रों से पता चला है कि ये पार्क काफी ज्यादा बड़ा है, पता कितना बड़ा है, 30 acres में फैला है, मुक्का नहीं देखो ये ऐसा कुछ पार्क है, देखो कितने सारे बंदे आए हुए हैं यहाँ पर, एक बात ना बोल रहा गलत है लोग ऐसे देखो यहाँ पर लिखते चले जाते हैं,
अब पेड़ पर लिख जाते हैं, ऐसे लिखना नहीं चाहिए, हम लिखेंगे अरबी जगह यहाँ पे। अरे नहीं, तो आइडिया दे रहा, मैं बोल रहा हूँ नहीं लिखना चाहिए, तू तो आइडिया दे रहा, तू कह रहा है हम लिख के जाएंगे, कि तू तो आइडिया दे रहा। अभी हम जाएंगे वहाँ पे कुछ नया दिख रहा है, देखो मूर्ति यहाँ पर, शायद ताजमहल की कॉपी की गई है ये, देखो कितना लंबा, वहाँ से हम चल कर आए हैं यहाँ तक, बनाना शुरू किया होगा उन्होंने, आगे जाके पता नहीं कौन सा ताजमहल बना दिया, वो देखो मूर्ति सी कुछ यहाँ पर ना, ये एक मूर्ति है पीछे, और यहाँ से यार पानी को छोड़ा जाता था और वो वहाँ पर जाता था सीधा, ये पानी यहाँ से ऐसे ढलान है सीधी, तो भाई यहाँ पर एक्सरसाइज करते हुए जिम तो किया नहीं सर, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर और भी है ये मशीन है, कैसे करके इस तरह पे चढ़े थे ऐसे करके, एक नंबर की रिस्क की मशीन है, अगर गिरे तो कुछ नहीं बचेगा। क्यों चढ़ रहा भाई, उतर जा, उतर जा, उतर जा, उड़ने वाला, उड़ने वाला गिरेगा, उतर जा, उड़ने वाला नहीं तू गिरने वाला, तू गिरने वाला है, उतर जा। चार मीनार की बात कर रहे थे ना, वो ये वाली है देखो, इतना ना पट्ठा जा रहा था लेकिन नहीं सच में लग तो रहा है वैसे, चार मीनार थोड़ी है यार, जो कुछ हो रहा है वो देखो लिखा हुआ यहाँ पर, आप पॉज करके पढ़ लेना, ये देखो पता नहीं क्या लिखा है, हाँ पढ़ लेना, ये देखो रोहित भाई एक और जगह मिल गई इसको फोटो खिंचाने के लिए, अरे यहाँ पर किसको बंद किया है, पता नहीं गाइस ये क्या है यहाँ पर, देखने से तो इट्टों का पट्ठा लग रहा है और तो कुछ नहीं, फिर तो भाई तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या चीज है, ये इट्टों का पट्ठा। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं घर पर, और आज का हमारा जो ब्लॉग था काफी बढ़िया बन गया, हम रोज गार्डन में गए थे, नेहरू रोज गार्डन में, और वहां पर हमने काफी घुमा फिरा, काफी बढ़िया वहां पर माहौल था, थोड़ा बहुत जिम भी कर लिया वहां पर अगर आपने पूरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। चलो अभी हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आरबीटीएफ और क्योंकि जो ब्लॉग हम दिखाते हैं कोई नहीं। सो हम ब्लॉग पर यहीं पर एंड करते हैं, थैंक यू एंड बाय।